हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू एवरीवन। डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम विद अनदर ब्लॉग विद माय लिटिल किड। हेलो लिटिल किड। हेलो बेटा, से हाय टू द कैमरा हियर। हैप्पी, से हाय। हेलो हैप्पी, से हाय। हाय देयर, हाय हाय, से हाय टू द फ्रेंड्स। हाय बोलो, हाय बोलो। हाय। आपका नाम बताओ दोनों। और ये मेरा छोटा भाई। मेरा नाम है हैप्पी गुलमिन्ना। और आप कहाँ जा रही है आज? आज हम जा रहे हैं घूमने। घूमने जा रहे हैं, तो आप कहाँ घूमने जा रहे हैं आप लोग? हम जहाँ पर हम। बदमाश मत हो, मैं चलाऊंगा कैसे इसको? तो अच्छे से बैठ, नहीं तो बदमाश हो जाएगा तो ये हंसेंगे मुझे, मारेंगे लोग। ठीक है, तो ये देखो कितना बंदर जैसे बैठा है, अगर गिर जाएगा तो मरेंगे सब। रुको रुको रुको। ठीक है, तो बच्चा थोड़ा हमारा बहुत ही बदमाश है, तो अभी थोड़ा हम घूमने जा रहे हैं। और अभी जैसे कि हम रोज जाते हैं, कहाँ जाते हैं बताइए, कहाँ जाते हैं? मैंगो ट्री के पास, जो फार्म हाउस है छोटा सा, उधर हम रोज घूमने जाते हैं। ठीक है, वीडियो बनाते हैं। कौन सा वीडियो बनाते हैं आज? क्या कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो बनेगा? आज बनेगा पेट का वीडियो। ठीक ठीक, चलो साइकिल लेके आ जाओ, साइकिल लेके आ जाओ, हम जाएंगे फार्म की ओर। ठीक है, तो गाइस हम फार्म आ गए। कहाँ है फार्म आपके? इधर है ना? ठीक है, चलो साइकिल रखा है, ये हमारा खटिया है उधर। चलो उधर बैठते हैं और कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो चलो। और ये हमारे फार्म मुन्ना दादा। अच्छा, तो कल एक बात याद कर लेना एक बार। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? पेश और फ्रूट्स के बारे में। पेश और फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे। और पहले हम करेंगे फ्रूट्स। ठीक है भाई, आपका नाम बता दीजिए फिर से एक बार। मेरा नाम है आकाश गुलमिन्ना। अच्छा, आप कहाँ पढ़ते हैं? मैं पढ़ता हूँ शिशु विद्या मंदिर। अच्छा, उधर वो उड़िया में बात करते हैं या हिंदी में बात करते हैं? हिंदी में बात करते हैं। झूठ बोलने बंद कर, झूठ क्या बोल रहे हो? उड़िया में या हिंदी में बात करते हैं? उड़िया। उड़िया में बात करते हैं। हिंदी कहाँ से सीखे? कहाँ से सीखे? पहले आप नहीं कर रहे थे। पहले हम सिखा रहे थे, बाद में कहाँ से सीखे आप? बाद में तो टीवी में भी तो कह रहे थे। कौन कौन सा टीवी में आप सीखते हैं आप दोनों? हिंदी कहाँ से सीखे आकाश भाई, आप बताइए। और कहाँ से सीखते हैं? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, आप कहाँ से सीखते हैं? और टीवी में कुछ देता है। और कौन कौन सा चैनल से सीखते हैं बताओ ना, बच्चे भी सीखेंगे आप जैसे। और नहीं नहीं नहीं, कौन कौन सा चैनल से सीखते हैं, जैसे कि टीवी का कौन कौन सा चैनल से आप हिंदी सीखते हैं बता दीजिए, आपके दोस्त लोग सीखेंगे। 960। वो कौन सा आपके डिश टीवी का है? आप वो चैनल का नाम बताओ। चूचू टीवी नहीं सीखते, देखता है क्या? चूचू टीवी में देखता है कि नहीं? हिंदी में बोलता है। चूचू टीवी में हिंदी में गाना नहीं आता है क्या? नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, छोड़ो। तो हम आप हिंदी आप बहुत सारे चैनल से सीखते हैं, जैसे कि चूचू टीवी है, हिंदी किड्स जो चैनल होते हैं। ठीक है, आप फिर वो कार्टून का देख रहे थे बेटा, वो जो चालाक जो कार्टून था उसका नाम क्या था? जो चालाक कार्टून था, जो चालाक जो था, एक राजा को हमेशा वो खुश करता था। तेनाली। अच्छा, तेनाली के रमन, उसका नाम था तेनाली के रमन। रमन था वो, बहुत ही चालाक था। बड़े होके उसका नाम हुआ तेनाली। और अभी आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? हाँ, मैं पढ़ता हूँ क्लास वन। क्लास वन से पढ़ते हैं, ठीक है, वेरी गुड बेटा। तो बेटा हम इधर देखेंगे आपको, आप मुझे बोल रहे थे कि आप कुछ स्पेस के बारे में कुछ बता। तो स्पेस कहाँ होता है? स्पेस बहुत बादलों के ऊपर होता है। अच्छा देखिए, ये क्या देख रहे हैं आप? आगे देखिए, इधर कैमरा में देखिए, मैं क्या दिखा रहा हूँ कैमरा में? बादल। बादल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्काई बोलते हैं ना। हाँ, स्काई बोलते हैं। स्काई में क्या क्या देखने को मिलता है? व्हाट डू यू सी इन द स्काई? जैसे कि वहाँ पर देखने को मिलता है बर्ड्स दिखने को मिलता है। और क्या दिखने को मिलता है? ये क्या दिख रहा है देखो? और ये साइकिल, ये साइकिल के ऊपर कोई दिख रहा है, समथिंग इज मूविंग अराउंड। देखो समथिंग इज मूविंग अराउंड, लुक एट दिस साइकिल, व्हाट डू यू सी देयर? मैं उनको नहीं जानता। अच्छा, बर्ड्स दिखते हैं, और क्या दिखता है? और
इंसेक्ट भी दिखता है, दे आर फ्लाइंग ना, दे फ्लाई वेरी हाई ना, दे फ्लाई वेरी हाई, कैन दे फ्लाई वेरी वेरी हाई? नो, बहुत दूर तक जा पाएंगे? कहाँ तक घूम वो उड़ पाएंगे? अकेले बादल पाएंगे। स्पेस कहाँ होता है? फिर स्पेस स्पेस बोल रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ होता है स्पेस। इधर इधर देखिए, इधर क्लियर आ रहा है मुझे। स्पेस होता है बादलों के ऊपर, बादल के ऊपर स्पेस होता है। ठीक है, बहुत अच्छा होता है। आकाश क्लोज, सीट क्लोज। अच्छा, स्पेस के ऊपर होता है, नहीं इसके बादल के ऊपर स्पेस होता है। और वो स्पेस में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है, कौन कौन सा चीज़ें देखने को मिलता है? वहाँ पर देखने को मिलता है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स, वेरी गुड। और क्या? स्टार्स। और क्या? और क्या देखते हैं हम? और क्या देखते हैं? प्लैनेट्स और प्लैनेट्स देखने को मिलता है। रात को और क्या दिखता है? रात को मून, मून देखने को मिलता है। मून हमारे सबसे पास है, सबसे पास है। और मून सन भी एक स्टार है ना? सन भी एक स्टार है। ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो बहुत सारे प्लैनेट्स भी होते हैं क्या? कुछ प्लैनेट्स का नाम जानते हो? कितने प्लैनेट है? आठ प्लैनेट है। एक दो प्लैनेट का नाम बताओ। अर्थ है। हम कहाँ? तीन नंबर। हाँ हाँ, और क्या क्या प्लैनेट है, एक दो का नाम? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी होता है। और क्या होता है? और मिलता है सन। सन तो वो स्टार है। और कौन सा प्लैनेट है? और कौन सा? जुपिटर। जुपिटर, वेरी गुड। सबसे बड़ा है ना? हाँ। जुपिटर सबसे बड़ा है ना? ठीक है ठीक है। अब अगले प्लैनेट से नहीं तो सूरज के पास देखे तो बहुत ही छोटा होगा। अच्छा अच्छा। ऐसा बेटा एक बात बताइए, सो यू सी लॉट ऑफ थिंग इन द स्पेस ना, हाउ डू यू सी, हाउ डू यू सी, हाउ कैन वन सी ऑल दोस थिंग? कैसे वो सारी चीज़ों को देख पाएगा, कैसे देख पाएगा वो? क्या वो सारी चीज़ों को हम कैसे देखते हैं कि सन तो दिखाई देता है, बाकी सारे प्लैनेट को हम कैसे देखते हैं? रॉकेट से जाते हैं, वेरी गुड। तो कुछ चीज़ें दिखाई देता है और कुछ चीज़ें हमें देखना पड़ता है, रॉकेट से जाके देखना पड़ता है। वो ये जो स्कोप होता है देखते हैं ना, तो उससे हम देखते हैं। अच्छा, वेरी गुड। सो आप बहुत सारे चीज़ें देखते हैं इन द स्काई, राइट? तो कैन यू टेल मी व्हाई द सन लुक वेरी बिग टू अस? हाँ, बहुत ही बड़ा है। व्हाई, व्हाई डज इट लुक बिग टू अस? वो सभी प्लैनेट से बड़ा है। बड़ा है होता है, ठीक है। और क्यों हमें बड़ा क्यों दिखता है? व्हाई इट लुक वेरी क्लोज टू अस? क्योंकि वो थोड़ा पास होता है। वो थोड़ा पास होता है इसलिए वो ये होता है। अच्छा, इट हाउ डज इट लुक, कैसा दिखता है, हाउ डज इट लुक? पूरा लाल। क्यों लाल दिखता है? क्योंकि वो ज्वाला से भरा है। ज्वाला से भरा है, यानी कि बहुत ही हीट होता होगा ना? बहुत ही हॉट। बहुत ही हॉट होता होगा और इसलिए वो ब्राइट भी दिखता है ना? ब्राइट का मतलब क्या होता है? वो शाइनिंग होता, राइट? चक चक चमकीला होता रहता है। अच्छा, तो इसलिए वो हमें बड़ा दिखता है क्योंकि वो पास है, थोड़ा पास। हाँ, थोड़ा पास है। अंकल एक बात कह दूं क्या? रात में एक मून आता है, वो लेता है सूरज से चार्ज लेता है, चार्जर। अच्छा, तो आप बोल रहे कि जो मून रात को आता है वो सूरज से चार्ज लेता है। हाँ। और वो थोड़ा चार्जिंग लाइट की जैसे दिखता है। हाँ। और इसलिए बोला। अच्छा, व्हाई वी कैन नॉट सी द मून ड्यूरिंग द डे टाइम? व्हाई? रात के टाइम हम लोग दिन में मून को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि मून को सूरज ढक लेता है। मून को सूरज ढक लेता है। नहीं, इसका ज्यादा लाइट होता है ना। हाँ। तो इसलिए हम देख नहीं पाते, कभी कभी देखने को मिलता है और कभी कभी देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, आप बताएं कि सन इज ऑल्सो स्टार ना? ठीक है, सन इज ऑल्सो स्टार एंड इट इज वेरी क्लोज टू आवर अर्थ, सो इट लुक्स वेरी बिग टू अस, हमें ये बड़ा भी दिखता है। ठीक है, एंड व्हाई द स्टार लुक वेरी वेरी स्मॉल टू अस? क्योंकि वो बहुत 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 दूर में होते हैं। अच्छा, बहुत बहुत। एक बात मैं कह दूं क्या? अर्थ, हाँ, अच्छे से बैठो। हाँ, अर्थ सन से कितना छोटा है? हो गया। हाँ,
हाँ कितना 15 लाख टाइम छोटा है। 15 लाख टाइम छोटा है। वेरी हाँ। नाइस nice. और क्या जानते हो उसके बारे में? और क्या जानते हो अंकल? कुछ तार संख्या बहुत ही बड़े होते हैं और कुछ तार छोटे होते हैं संख्या। अच्छा कुछ तार छोटे भी होते हैं, कुछ तार बड़े भी होते हैं, राइट? अच्छा अगर सारे स्टार हमारे बहुत करीब होते तो हाँ। क्या प्रॉब्लम होता? व्हाट वुड हैपन? हाँ। क्या होता? बहुत ही गर्मी होता। बहुत ही गर्मी होता हाँ। और क्या होता अगर सन नहीं होता तो क्या होता बताओ तो? हमारा ये जो सिस्टम जी जम के हम बहुत इधर देखो, इधर देख के बताइए आपके आपके दोस्त लोग को। हाँ। बहुत ही ठंडा हो जाएगा। और क्या होगा? और जीवन का एक भी नामो निशान मिट जाएगा। अच्छा एक भी नहीं रहेगा। और क्या होगा? सारे और रात हो जाएगा ना। हाँ। पूरा अंधेरा हो जाएगा। हाँ। ठीक है तो इसलिए स्टार सन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हाँ। ठीक है और बहुत सारे स्टार्स भी हाँ। है जो कि हमें हाँ। बहुत छोटे छोटे दिखते हैं क्योंकि दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, राइट? द मून इज फार अवे फ्रॉम अस, द सन इज अगेन वेरी फार अवे। ठीक है एंड द स्टार्स स्टिल फार्दर अवे, बहुत बहुत दूर में है इसलिए वो लोग छोटे छोटे दिखते हैं। ठीक है ओके सो इफ यू हैव टू गो टू मून हाउ कैन यू गो? इफ यू हैव टू गो टू मून हाउ कैन यू गो? नहीं सपोज आपको मून जाना है हाउ कैन यू गो? आई एम सेइंग सपोज यू हैव टू गो टू मून, सपोज आपको मून जाना है हाउ डू यू गो? कैसे जाओगे? प्लेन से जा पाओगे और रॉकेट से जा पाओगे। अच्छा प्लेन क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए थोड़ी एयर चाहिए और स्पेस में तो एयर रहता ही नहीं, वहाँ से गिर जाएगा ना। हाँ। और रॉकेट जाता है और क्या नहीं रहता अगर वो स्पेस में? हाँ। अच्छा बेटा ये जो स्टार्स है हाँ। जो प्लैनेट है वो नीचे क्यों नहीं गिर जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है। अच्छा ग्रेविटी नहीं है, वो ग्रेविटी क्या होता है, वो क्या करता है, उसका क्या काम है? ग्रेविटी हमें नीचे लगता है। अच्छा वो नीचे गिर जाता है ग्रेविटी की वजह से। ठीक है तो अच्छा वेरी गुड बेटा, तो ये सारे स्पेस के बारे में ना। हाँ। अच्छा आप स्पेस जाना चाहोगे? हाँ। बड़े हो गए तो स्पेस जाना हाँ। चाहोगे? हाँ। हाँ। तो क्या पढ़ाई करना पड़ेगा उसके? उसके लिए बहुत ही सारी पढ़ाई। हाँ? बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। क्या पढ़ना होता है बताओ तो, कौन सा चीज पढ़ना होगा? स्पेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, स्पेस साइंस करना होता है ना। हाँ? हाँ? अच्छा वेरी गुड बेटा। हाँ। तो ठीक है हम इतना ही वीडियो करते हैं। अच्छा लास्ट में आप बता दीजिए इनको क्या करना है। अरे फ्रूट्स तो रह गया है। तो फ्रूट्स के बारे में तो हम बाद में करेंगे, अभी स्पेस के बारे में बात की। बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। आप बता दीजिए अपने दोस्तों क्या बोलना चाहते हैं बता दीजिए। और नीचे जो आज के लिए बस इतना ही। हाँ। और नीचे जो लाल बटन है उसे जल्दी से दबा दीजिए। उसके द्वारा क्या हो? और जल्दी से लाइक कर दीजिए, हम ऐसे ही बहुत सारे वीडियो के साथ आएंगे। अच्छा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। हाँ। अच्छा कौन सा चीजों के ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो? नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा इंसेक्ट। अच्छा वो लोग लाइक करेंगे आपके वीडियो तो क्या आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है इसलिए आप लाइक करने के लिए बोल रहे हैं ना। हाँ। और क्या फायदा होता है? और क्या होता है? बहुत ज्यादा लोग देख पाएंगे। ठीक है और आपके जैसे बच्चे लोग उत्साहित होंगे, आपके जैसे पढ़ेंगे, आपसे बहुत बेहतर भी पढ़ेंगे। ठीक है आपसे बेहतर भी पढ़ेंगे। ठीक है आप बड़े होने के बाद मुझसे बड़ा ऑफिसर बनना है ना, मेरा ऑफिसर बनना है ना। मैं क्या करता हूँ पढ़ाते हैं तो मेरा ऑफिसर बन जाएगा नहीं? ठीक है ना बेटा। अच्छा बाय फॉर नाउ। बाय आज के लिए बस इतना ही। हाय फ्रेंड्स बाय फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। टाटा।